हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, कोटपुतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर 1 किलोग्राम सोने की ईंट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदिग्ध अवस्था में बांसुर रोड गोकुल वाटिका की तरफ घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश की तो आरोपी सुधांशु शर्मा की जेब से 1 किलोग्राम की सोने की ईंट बरामद हुई, जिसे पुलिस थाने पकड़कर लाई। पुलिस पूछताछ में आरोपी दिल्ली चांदनी चौक में ड्राइवरी का काम करता है, जो 1 अक्टूबर को दिल्ली चांदनी चौक से एक ज्वेलर्स की गाड़ी से सोने की ईंट चुराई थी, जहां से 2 तारीख को अपने गांव पुरुषोत्तमपुरा कोटपुतली पहुंचा, जिसके बाद आज कोटपुतली में ईंट बेचने के फिराक में था। आरोपी दिल्ली पुलिस की रडा पर था और दिल्ली पुलिस आरोपी के पीछे थी। कोटपुतली पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आज थाना कोटपुतली की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो संदिग्ध अवस्था में बांस रोड की तरफ घूम रहा है, उस पर यहाँ की जो टीम है, राकेश एएसआई और उनकी जो पूरी टीम है, जयप्रकाश सब इंस्पेक्टर, सभी लोग ये गए और जब चेक किया तो एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला। उसको ला के पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सुधांशु शर्मा, पुरुषोत्तमपुरा सरूम थाना का रहने वाला बताया, और उसको जब तलाश किया गया, उसकी जामा तलाशी ली गई, तो उसके पैंट से 1 किलो की एक ईंट सोने की बरामद हुई, जिसके बारे में पूछने पर उसने कोई सही से जवाब नहीं दे पाए। इस पर यहाँ जो सीओ साहब हैं कोटपुतली दिनेश जी, उनको भेजा गया। उन्होंने उनसे पूछताछ की और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया मुलजिम ने कि ये जो ईंट है वो दिल्ली चांदनी चौक से चुराई गई है और यहाँ बेचने की फिराक में, यहाँ पे अपना सौदा करने की फिराक में यहाँ घूम रहा था, जिसको यहाँ की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया 411 IPC के तहत, और जो ईंट है उसको बरामद किया गया। सर, कितने दिन पहले इसने चोरी की थी? और ये जो घटना है चोरी की, वो 1 तारीख की है और 2 तारीख को ये दिल्ली चांदनी चौक थाना में।